सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि सर ने अभी बताया है कि पास जाएंगे तो पत्थर मारेगा। को चेन से बांध कर रखा गया, 13 साल तक वो बंधा रहा। मोती इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि मोती फुटबॉल खेलता है, मोती ड्रॉइंग भी करता है और वो माउथ ऑर्गन भी बजाता है। Welcome back to this channel. मैं हूँ Akash Vimal. How you guys doing? I am back with another video. और this video is about a very interesting creature. हम सब ने बचपन में बहुत कहानियाँ और बहुत poems पढ़ी होती हैं हाथी के बारे में. So when I was in MP, I was welcomed and hosted by my very dear friend Nehar Bhai. He's the zoo curator. तो उन्होंने मेरे को एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही फेमस एक एनिमल से मिलवाया, बहुत हिस्टोरिकल एनिमल, उसका नाम है मोती। अच्छा, मेले से खरीद कर 1971 में खरीदा था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पहले यू नो दे वर क्वाइट ओपनली सोल्ड बैक देन। एंड मोती के साथ में फीमेल थी चंपा, यू नो वी हैड मोती एंड चंपा विच एड दिस। एंड मोती वाज सो इंटेलिजेंट, यू नो ही टू प्ले माउथ ऑर्गन. And he was so fan. अच्छा, mouth organ. Yes. So he used to play mouth organ, यार. And he was such an intelligent specimen है कि कोई भी किशोर को मेरा गाना सुना दो 90s में, on the radio, quickly वो tune पकड़ लेगा and he'll play the mouth organ on that particular tune. मोती एक एशियाटिक एलिफेंट है जो कि 60 year old है और बहुत फेमस है वो, क्योंकि उसने इंदिरा गांधी जी जब अपने टाइम पे पावर में थी, जब वो इंदौर आए थे, तो उसने फूलों की माला उनको पहनाई थी. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल और उसके फोटोग्राफ्स अभी भी बहुत सारे म्यूजियम्स में यू कैन रियली फाइंड. मोती इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि मोती फुटबॉल खेलता है, मोती ड्राइंग भी करता है और वो माउथ ऑर्गन भी बजाता है. और ही कैन एक्चुअली मे कॉपी थिंग्स. आपको वो बहुत फेमस है, आपको उसकी काफ़ी जगह यू कैन फाइंड द आर्टिकल्स अबाउट हिम. पहले इसने लोगों को हस्तमाना चालू किया, यू डोंट लाइक एनीवन कमिंग अराउंड, क्योंकि उसके आते हैं पत्र डॉटर की फेंकता है. अच्छा, फिर हमने सोचा कि यार यू नो इट माइट टर्न इनटू एन इंजरी समडे. सो एक दिन इसको ट्राई किया एंड देन वी गॉट ऑल द स्टाफ इनसाइड एंड वी गॉट ऑल द स्टोन्स आउटसाइड नो ऑफ द की. And पत्थर फेंकने के बाद में पत्थर बाहर निकालने, अब तो क्या मारेगा, यू नो दैट वाज द चैलेंज वी गेव इट टू हिम. एंड ही वाज सो स्मार्ट दैट इसकी डाइट हैज पत्ता गोभी पत्ता गोभी डाल के फेंकने चालू कर दिया. ओह, पत्ता गोभी ही इंप्रोवाइज बेसिकली. एंड देन पत्ता गोभी फेंकना चालू किया, ही स्टार्टेड चॉपिंग दैट एंड गिविंग इट. सो व्हेन ही वाज ट्राइंग टू थ्रो इट, यू नो इट वाज फॉलिंग ऑन हिज ओन हेड. बोला अब तो चलो, आई थिंक वी हैव गॉट द सॉल्यूशन टू दैट. बट देन इट्स एन एलिफेंट, इट्स अ स्मार्ट पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो ये टाइटल भी एक्सप्लेन करता है इस वीडियो का, एक बार मोती जब मस्त हो गया था, जब हम बोलते हैं मस्त होना, मस्त होने का मतलब होता है जब कोई एलिफेंट अपने हॉर्मोन्स पे आ जाता है, पूरे हॉर्मोन्स उसके आ जाते हैं और वो जवान हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. तो जब भी वो एज अ पेट या फिर किसी ने रखा होता है अपने पास, तो उसको हमेशा बोला जाता है कि वो उससे दूर रहे. और ये काफ़ी टाइम चलता है और जो उसके महावत होते हैं, केयर टेकर्स होते हैं एलिफेंट्स के, उनको महावत बोलते हैं. तो उनके जो महावत होते हैं उनको स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि उनसे दूर रहना है. पर महावत जो केयर टेकर होते हैं, दे डेवलप अ बॉन्ड और बहुत एक गहरा बॉन्ड बन जाता है हर एनिमल के साथ, जैसा कि आपको मेरे वीडियो से लगता ही होगा. हर एक एनिमल के साथ बॉन्ड बनता है. तो यस, जू में भी वो वहाँ पर रहता था और उसके महावत को बहुत अच्छे से बॉन्ड था. और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको उसके पास जाना पड़ा, और
मोती ने उनको, वो बहुत अग्रेसिव हो गया और उसने उनको उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। इसके ऊपर अहिल्या बाई की होलकर की जो पालकिया थी वो निकलती थी सिटी में, तो इट वाज अ वेरी फेमस स्पेसिमेन। यू नो टिल 98 की बात है, 98 के आसपास यू नो मध पीरियड में था जो मस्त होता हाथी का, नॉट अप्रोच द एलिफेंट, दिस इज द कीपर, द सेम गाय यू नो हु इज द कीपर फॉर हिम, माहौत है तो वो ये चीजें करते हैं। तो ये हमारे जो सर हैं उन्होंने इसको पाला है बहुत अच्छे से, और ये जब मस्त हो गया था हाई ऑन हॉर्मोन्स तो इसने इनको उठा के फेंक दिया था। And वो टाइम पे जब इनका ट्रीटमेंट चला इन हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 6 months, 6 to 7 months, इंटेस्टाइन्स केम आउट, इंटेस्टाइन्स बाहर आ गए, प्लास्टिक सब लगा हुआ है और सिलिकॉन स्टमक एंड ऑल दैट, एंड द देन ऑफिशियल वी हैड इन द ज़ू, यू नो वो टाइम उन्होंने सोचा कि यार ये हाथी पागल वगल हो गया है, यू नो ही गोइंग टू अटैक ह्यूमंस एंड ऑल, सो ही वाज चेंज्ड, ही वाज चेंज्ड एंड ही वाज स्टैंडिंग एट वन प्लेस फॉर 13 इयर्स, चारों पैर से इसको बांध दिया था, 13 साल तक बंधा रहा, 13 इयर्स ही वाज यू नो चेंज्ड। उसने उनको इतनी बुरी तरीके से उठाकर फेंका कि उनके जो पेट से इंटेस्टाइन्स थे वो तक बाहर आ गए थे, एंड दे वर ऑल आउट। ऑब्वियसली वो इतने एजेड और इतने रेस्पेक्टेड हैं, आई कुडंट आस्क हिम कि शो अस योर वुंड्स, वो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होता। सब ने बताया है कि उनके स्टमक में, और वो खुद भी बताते हैं कि उनके स्टमक में सिर्फ सिलिकॉन और यू नो ही सेज कि सब कुछ अंदर नकली है। पर ये सब कुछ होने के बाद मोती को 13 साल के लिए एक जगह रखा गया चेन में, क्योंकि हाथी सबसे ज़्यादा वायलेटेड जीव होता है। हाथी, आप बिलीव नहीं करोगे, हाथी इसलिए रेस्क्यू नहीं की जाते क्योंकि हमारे पास उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, दैट्स वाई दे आर नॉट रेस्क्यूड। जो भी उनको बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सरकार क्यों उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रही है? Because we don't have space for them. तो उसको चेन से बांध कर रखा गया, 13 साल तक वो बंधा रहा, पर फिर अच्छे इंसान हर जगह होते हैं, किसी ने PIL डाला और कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया उसको 13 साल बाद, और वो लोग उसको लेकर आए ज़ू में रखा उन्होंने। They did the right thing, क्योंकि ज़ू अथॉरिटीज से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेगा नहीं उसको वापस, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव था। उसके 13 साल में उसकी चेन इतनी बुरी तरीके से बन गई थी। वहाँ पर निहार भाई और मुझे और भी लोगों ने बताया, उस एलिफेंट के स्किन के अंदर घुस चुकी थी 13 साल में, वो स्किन ऊपर ग्रो हो गई थी चेन के, एंड इट वाज यस सर्जिकली रिमूव्ड। अदरवाइज ही कीप्स डूइंग लॉट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। तो मोती के अभी भी महावत इश्तियाक खान जी ही हैं, उनके पेट में बहुत सारा सिलिकॉन है, सब कुछ है, पर अभी भी आप देख सकते हो क्या बॉन्ड वो अभी शेयर करते हैं उसके साथ। इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल टू वॉच हिम, और वो ऐसे लिटरली खड़े होकर मेरे से थोड़ा सा आगे है, एंड इट इज़ ग्रेट टू सी सच बॉन्डिंग। वो इतने अच्छे से बॉन्ड किया हुआ है उन्होंने, एंड ही इज़ एन अमेजिंग गाय। वो लिटरली बात करते हैं। तो अगर आपको ज़ूम में लगता है कि कोई ध्यान नहीं रखता है, तो ध्यान पूरा रखा जाता है, पूरी कोशिश होती है। मैं आई वुड जस्ट से दिस, लोग प्लीज़ डोंट हेट ज़ूस, प्लीज़ डोंट हेट देम, ट्राई टू गेट देम इम्प्रूव्ड अ लिटल, है ना। उनके इम्प्रूव होने में उनकी मदद करो, वॉलंटियरली जाओ, कनेक्ट हो, यू नो, ट्राई टू चेंज द थिंग्स योरसेल्फ एंड डू समथिंग लाइक दिस, एंड यस, छोटे छोटे कदम ही बहुत बड़े हो जाते हैं एक दिन। सो दैट्स हाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ मोती। मोती अब 60 साल का है, एक एशियाटिक एलिफेंट का लाइफ स्पैन 70 साल के आसपास होता है, तो अभी उसके पास 10 से 15 साल होपफुली है, एंड वी होप कि वो अच्छे से रहे। आई होप एशियाटिक एलिफेंट्स का इंडिया में कुछ हो पाए। या सो जस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स अराउंड योर हाउस, अपने घर वालों का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।